नमस्कार। आज का विषय है आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। क्या सुनना भी कला है? तो आइए को आपको उदाहरण दूं। मैं कुछ जीवनियां पढ़ रहा था महान लोगों की कि बचपन में वो कैसे थे, तो मैंने पाया विद्यार्थी जीवन में कुछ ऐसे बालक भी हुए हैं जिन्होंने की कक्षा में पूरी जिज्ञासा और एकाग्रता से अपने अध्यापकों को सुना। उनमें स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी रामतीर्थ थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर राधा कृष्ण जैसे लोग थे। और भी नाम बहुत हैं, आप भी उनमें से होंगे अवश्य निश्चित रूप से, जो कक्षा में आपने सुना होगा। परंतु क्या एक ही महत्वपूर्ण ये गुण इंसान को साधारण से असाधारण नहीं बनाता? बनाता है। महान जज वो होते हैं जो वकील की पूरी बात सुनते हैं, जैसे जस्टिस गजेंद्र गढ़कर। महान अध्यापक वो होते हैं जो कि विद्यार्थियों की बात को सुनते हैं, जैसे प्रोफेसर अब्दुल कलाम। महान कलाकार वो होते हैं जो जनता की मांग को सुनते हैं, जैसे लता मंगेशकर। महान वैज्ञानिक वो होते हैं जो अपनी टीम के सदस्यों के अनुसंधान के बारे में जो परिणाम हैं उनको ध्यान से सुनते हैं, जैसे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। क्या गुण होने चाहिए आर्ट ऑफ लिसनिंग में? पहली बात, जो स्पीकर है, बोलने वाला है आपके सामने, उसके बारे में जान लीजिए पहले से ही। उस विषय के बारे में जान लीजिए जिस पर की बातचीत होनी है। उसको मौका दीजिए बात कहने का। नोट करते जाइए इंपॉर्टेंट बातें जो वो कह रहा है। बीच में यदि कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो उससे प्रश्न पूछ लीजिए। कोई चीज आप समझ रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज से सिद्ध कर दीजिए कि आप समझ रहे हैं। आई कॉन्टेक्ट रखिए और बीच बीच में नॉडिंग करिए, भी कह सकते हैं। उसको लगे कि आप सुन रहे हैं। पूरी एकाग्रता चाहिए। मल्टीटास्किंग नहीं कि बहुत से काम आप कर रहे हैं, इधर उधर ध्यान मत करिएगा। मोबाइल, पीए, दूसरी बातें, दिमाग का घूमना बंद कर दीजिएगा। अंत में उससे कहिए, अच्छा मैंने ये समझा है। धैर्य रखिए और उसके साथ ही उस व्यक्ति का सम्मान कीजिए। एम्पैथी कहते हैं, समानुभूति, परानुभूति, के उसकी बात को समझने के साथ ही आप उसको ये विश्वास दिलाइए कि आप जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। ऐसे कलेक्टर थे राजस्थान के ही, उनके पास जब कोई मिलने जाता था इतने ध्यान से बात सुनते थे, और नहीं कर सकते थे कोई काम तो कहते भैया ये हो नहीं पाएगा कानून में। जो व्यक्ति सुनता था उनकी बात, बाहर आकर कहता था चलो कलेक्टर साहब ने बात सुनी तो सही, ध्यान से। जल्दबाजी हम ना करें, किसी के अपमान के भाव ना रखें, पूर्वाग्रह ना रखें, प्रेजुडिस ना रखें, बात को काटे नहीं बीच बीच में। ये ना कहें हाँ हाँ मुझे पता है आप क्या कहने जा रहे हैं, और ऐसा उसको महसूस ना होने दें दैट यू आर वेरी बिजी। जब समय दें तो केवल उसको दें। और जब क्लास में कोई चीज सुन रहे हैं, कोई बड़ा लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप तर्क की दृष्टि से देखिए सारे पॉइंट्स जो स्पीकर बोल रहा है एक के बाद एक, क्या वो एक श्रृंखला में आ रहे हैं। मस्तिष्क में आप बहस मत कीजिए उसके साथ, नोट कर लीजिए। प्रश्न पूछना है पूछ लीजिएगा, परंतु सबसे बड़ी चीज है अपने आप से बातें मत करिएगा। जापान में इस बात पर बल दिया जाता है क्लास में कि आप सुनिए, चाहे लिखें कम, सुनिए। विश्व के महानतम व्यक्तियों के जीवनियों से पता चलता है हर समय पर उनकी मनोवैज्ञानिकता ऐसी रही कि वो व्यक्ति का सम्मान करते हैं, ऐसी रही उन ध्यान से सुनते हैं, ऐसी रही कि उसको नोट करके उस पर एक्शन भी लेते हैं, और वो अंतरक्रिया वास्तव में प्रभावपूर्ण होती है। हम मधुर बने, सहज बने, एकाग्र बने, सम्मान दें, और साथ ही में जो भी अंतरक्रिया होती है उसके निष्कर्ष को मस्तिष्क में रख के महत्वपूर्ण जो कार्य करना है वो करें। मैं लॉसे की बात फिर दोहराता हूं, सुने तो ऐसा सुने कि सारा शरीर ही कान बन जाए। नमस्कार।